जर्मनी में 26 जून को मनक़द होने वाली जी सेवन की मीटिंग में शामिल होने के लिए वजे अजम नरेंद्र मोदी आज देर रात होंगे रवाना माहौलियात के तहफ़ तो की फ्राहमी समेत फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन पर होगा तबादला ख्याल अट्ठाईस जून को वजी अजम यू ए का भी करेंगे दौरा सुप्रीम कोर्ट से जकिया जाफरी की अर्जी मुस्रद होने पर बोले अमित शाह कहा सुप्रीम कोर्ट ने सच की चमक में किया इजाफा मोदी जी की छवि खराब करने के लिए मीडिया एनजीओ और कांग्रेस ने चलाई थी झूठी मुहिम मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने के सैतालीस वर्ष मुकम्मल आज ही के दिन इस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने की थी इमरजेंसी नाफिज करने की सिफारिश वजीर दाखिला अमित शाह और वजी दिफा राजनाथ सिंह ने उन्नीस में इमरजेंसी नाफिज किए जाने को बताया तारीख का बाब महाराष्ट्र में सियासी अदम इस्तकाम बरकरार हुकूमत बचाने के लिए शिवसेना के मजलिस आमला की हुई मीटिंग मुंबई में सिक्योरिटी निजाम बरकरार रखने के लिए पुलिस ने नाफिज किया दफा एक सौ चौवालीस क्रिकेट शायक के लिए खुशखबरी जुलाई में होने वाले भारत के वेस्ट इंडीज दौरे के तमाम मैचों को बराह रास्त नशर करेगा डी डी स्पोर्स। डी डी स्पोर्ट्स चैनल पर होने वाला नशरिया तमाम केबल और डी टी एच प्लेटफॉर्म पर भी होगा फराहम नाजीन आदाब शाम साढ़े पाँच बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं वजीर अजम नरेंद्र मोदी छब्बीस से सत्ताईस जून तक जी सेवन सरबराह इजलास के लिए जर्मनी का दौरा करेंगे जी सेवन सरबराह इजलास जर्मनी की सदारत में मुनद किया जा रहा है जिसमें अर्जेंटीना इंडोनेशिया सैनेगैल जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक को भी मद़ किया गया है वजारत ख़ारजा ने कहा है कि अपने दौरे जर्मनी में वजीर अजम मोदी दो इजलासों को ख़िताब कर सकते हैं उनके खिताब में माहौलिया तो आबो हवाई तहफुज सेहत सिनफ़ी मसावत और जमहूरियत जैसे मौजूद शामिल होंगे वजीर अज़म नरेंद्र मोदी छब्बीस और सत्ताईस जून को जर्मनी की सदारत में मुनद होने वाले जी सेवन सरबरा इजलास के लिए जर्मनी के शलाश अलमाऊ का दौरा करेंगे तो वजी अजम सबमिट के दौरान माहौलियातानाई आबो हवाई तहफुज सेहत, मसावात और जमहूरीत जैसे मसाइल पर अपने ख्याल का इजहार करेंगे ये कॉन्फ्रेंस रूस यूक्रेन के जारी बहरान के सए में मुनद की जा रही है ऐसे में दुनिया के सामने सप्लाई चैन को दरपेश खतरे पर भी बातचीत मुतव है On the To the resolution of the problem uh, is through diplomacy and dialogue. India has taken a very proactive stance to ensure that the food security of the vulnerable countries in particular are addressed in a manner that their needs are addressed, but also at the same time, the food security within the country, uh, within India, is absolutely not at all impacted. मुख्तलिफ अहम अमूर पर बन अवी ताउन को मस्हकम बनाने की कोशिश में दीगर जमहूरियतों जैसे अर्जेंटाइन इंडोनेशिया सैनिगल और जुनूबी अफ्रीका को भी कॉन्फ्रेंस में मदू किया गया है जी सेवन समिट हैज़ चोजन फाइव की प्रायरिटीज फॉर द करेंट ईर एंड इन ब्रॉड टर्म दीज आर वन एनर्जी ट्रांजिशन टू इकनॉमिक रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्री पेंडेमिकोटेनेबल प्रेय सरबरास के सरबरा इजलास में मदू मालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे वजीर आजम मोदी जर्मनी में भारतीय बरादरी से भी बातचीत करेंगे वजीर आजम का जर्मनी का आखिरी दौरा मई में भारत जर्मनी बैन हुकूमती

जी सेवन सरबरा अजलास में शिरकत के बाद वजी आजम अट्ठाईस जून को मुतह अरब इमारत का दौरा करेंगे पासिंग अवेन शेख खलीफा बिन जायेदान दमर यू ए प्रेजिडेंट एंड अबूदी रूलर दिस बी प्राइम मिनिस्टर्स

और वजीम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी रवानगी से कब्ल एक बयान में कहा है कि जी सेवन के दौरान जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल से दोबारा मुलाकात खुशी की बात होगी इजलास में मालियात तो खुराक तहफ़ सेहत इंसद दहशतगर्दी दे सिनफी मसावत पर तबादला ख्याल होगा यूरोप में मुखी भारतीय बाशिंदों से मुलाकात के कई पुरजोश हूँ जी सेवन और मेज़बान मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात के कई पुरजोश हूँ वतन वापसी के वक्त यूएई के सदर के साथ भी मुलाकात होगी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दो हजार दो में गुजरात के दौरान जो हुआ उस पर एन आई की एडिटर स्मिता प्रकाश से खसूसी बातचीत की है वजीर दाखिला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी इल्जाम को मुस्रद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि सभी इल्जाम सियासी थे उन्नीस साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया और यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया और तीसरा इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वालों लोगों के सामने कर गुजरात फसादात के मामले पर वजीर दाखिला ने कहा कि इस मामले में मोदी जी से भी पूछ गछ हुई थी लेकिन तब किसी ने भी एहतजाज व मुजाहरा नहीं किया था और हम लोगों ने कानून को ताउन दिया खला ने कहा कि मोदी जी पर इल्जाम आयद करने वाले लोगों को उनसे मुआफी मांगनी चाहिए मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सोलिडिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे हम कानून को कॉपरेट किए थे मेरी भी अरेस्ट हुई थी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर तो सोने से भी ज़्यादा उसकी चमक होती है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए गुजरात फसादात को रोकने के लिए पुलिस और हुक्काम के मुबैना तौर पर कुछ ना कर के सवाल पर वजीर दाखला ने कहा कि बीजेपी मुखालिफ सियासी पार्टियों कुछ नजरियात के लिए सियासत में आए सहाफी और एनजी ओ ने मिलकर इल्जाम की तशहर की और लोग उनको ही सच मानने लगे भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एन जी ओ ने मिलकर एक त्रिकूट ने मिलकर आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे-धीरे को ही सब सत्य मानने लगे वजीर दाखिला जाफरी किसी और की हिदायत पर काम करती थी उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि तीसरा सीतलवाड़ की एनजीओ यह सब कर रही थी और उसकी वक्त की यूपीए हुकूमत ने एनजीओ की बहुत मदद की है आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाखिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए सब जानते हैं ना कि तीस्ता सेतलवाड जी की एनजीओ ये सब कर रही थी नहीं। केवल और केवल और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीस्ता सेतलवाड की एनजीओ को सब जानते हैं और केवल और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर यह सब किया गया उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया गया मगर सत्य को कुछ नहीं होता है ये लंबी लड़ाई मोदी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सारी वेदनाओं को वो विष को हजम करते हुए लड़े और आज चमकते सूर्य की तरह सत्य बारा है मुल्क में इमरजेंसी के नफाज के सैतालीस साल मुकम्मल हो गए हैं उन्नीस सौ पिछहतर में पच्चीस जून के शब वाजम इंदिरा गांधी की एक सिफारिश को उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने नाफि कर दिया था और अगले ही दिन मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज हो गई वजी दाखिला अमित शाह और वजे दिफा राजनाथ सिंह ने उन्नीस सौ पचहत्तर में इमरजेंसी नाफिज किए जाने को तारीख के एक से ताबीर किया है मरकजी वजी दाखिला अमित शाह ने इमरजेंसी के सैंतालीसवें साल पर चौतरफा हमला किया अमित शाह ने ट्वीट किया उन्नीस सौ पिछहत्तर में आज ही के दिन कांग्रेस ने इतदार की लालच में रातों रात शहरी के आइनी हकूक को सलब करके इमरजेंसी मुसलत किया और बेरहमी में गैर मुल्की हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिया इस तानाशाही जहनीत के खिलाफ जमहूरियत के दोबारा क्याम की अजीम कुर्बानी में अपना सब कुछ निशावर करने वाले हिबा ने वतन को सलाम और वजी दिफा राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा आज से सैंतालीस साल कबल भारत में इमरजेंसी का निफाज इस मुल्क की तारीख का एक ऐसा बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता आज के दिन सभी हम वतनों को जमहूरियत की हिफाजत के कई न सिर्फ खुद को वक्फ करना चाहिए बल्कि आइन और इदारों का वक़ार बनाए रखने का भी अज़म करना चाहिए बीजेपी सदर जे पी नड्डा ने भी एमरजेंसी के सैंतालीस साल मुकम्मल होने पर ट्वीट किया है अपने ट्वीट में कहा है कि एमरजेंसी के सयाह दिनों में कांग्रेस पार्टी के जरिए हमारे मुल्क के जमहूरी इदारों को मनसूबाबंद और मनज़म तरीके से तबाह करने को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा आज हम उन अजीम हीरोज को याद करते हैं जिन्होंने भारतीय जमहूरियत और आइनी इकदार की हिफाजत के लिए जंग लड़ी और इसके साथ ही बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने एक वीडियो भी साझा की है के नाम पर शासन का खून भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून कैसा चढ़ा जुनून मात्र पूजा प्रतिबंधित कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कनकित कह कह दी कविराय कानूनी कारण गूंजेगा भारत माता की जय का पच्चीस जून की वो रात देश के आत्मा को कुचल दिया गया था संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा देश के मीडिया को दबोच दिया गया देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था मुझे याद है पैंतालीस हजार लोग टीआईआर में अंदर थे उन्नीस महीने बीस महीने इक्कीस महीने बाईस महीने के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को छोड़कर और कम्युनिस्टों को छोड़कर देश के सभी राजनीतिक दल जेल के सीखों के पीछे थे इतनात और नशियात के मरकजी वज़ी अनुराग ठाकुर ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है आज ही के दिन कांग्रेस ने अपनी इकतदार की भूख व तानाशाही जहनीत को मुल्क पर मुसलत करते हुए पच्चीस जून उन्नीस सौ पचहत्तर को इमरजेंसी नाफिस कर भारतीय जमहूरीत के ऊपर कभी ना मिटने वाला धब्बा लगा दिया था लातदात बेकसूरों को जेलों में ठोंस दिया गया प्रेस की आज़ादी पर ताला लगा दिया गया लोगों की इजहार राय की आज़ादी सलब कर ली इमरजेंसी की खौफनाक के खिलाफ आवाज उठाने वाले और अजियतें बर्दाश्त कर कांग्रेस की ज़ालिमाना पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत करने वाले जमहूरियत के सभी महाफजिन के कई इजहार ममनूनीत करता हूँ इमरजेंसी के खिलाफ उठी हर आवाज को मेरा सलाम महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान मुंबई पुलिस ने शहर में दफा एक सौ चवालीस नाफिज कर दिया है कबल मुंबई पुलिस ने शहर को अलर्ट पर रखा है शहर में सिक्योरिटी बंदोबस्त बनाए रखने के लिए फिलहाल ये कदम उठाया गया है वहीं थाने में शिवसेना के बागी रहनुमा एकनाथ शिंदे की रिहायश गाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है वो फिलहाल आसाम के गुवाहाटी के रेडसन ब्लू होटल में सूबे के दिगर बागी अरकानी असेंबली के साथ ठहरे हुए हैं और महाराष्ट्र में गहरे होते सियासी बुहरान के दरमियान मरकजी वजीर और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के सदर रामदास अठावले और दिगर बीजेपी रहनुमा मुंबई में देवेंद्र फडनवीस की रिहायश गाह पर पहुंचे देवेंद्र फडनवीस के साथ मुलाकात के बाद मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा कि मैंने देवेंद्र फडनवीस से बात की है उन्होंने कहा कि शिवसेना में दाखिली इंतजार से हमारा कोई लेना देना नहीं है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो विरोधी पक्ष नेता भी है और माजी मुख्यमंत्री भी है उनके साथ मैंने बात की है और उन्होंने बताया कि मतलब जो शिवसेना में जो अंतर्गत झगड़ा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और एक नाथ सिंधे जी और उद्धव ठाकरे के बीच में जो विवाद है वो वो निपटाए उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और और हमें, को, हम पर हम लोग है, हमें कोई 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 हम हम पर लोग नहीं नहीं है है सरकार बनाने के संबंध में हमने अभी मुंबई में शिवसेना के कौमी मजलिस की मीटिंग हुई है जिसमें छह करारदाद मंजूर हुए मीटिंग के बाद शिवसेना के रहनुमा संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपनी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करता है तो हमें ये मंजूर नहीं है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी लोगों ने चाहे वो कितनी भी बड़े बड़ा हो नेता हो मंत्री हो जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए है और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है में नहीं। लिया जाए। और मरकज के, 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 के नौजवानों के उमूर व खेल महकमे के वजीर और इंचार्ज सेक्रेटरियों के साथ शिरकत कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन खेलों के मरकजी वजी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा की इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में सूबों और मरकज के कई अच्छे मशवरे मौसू हुए और कई मौजूद पर इतफाक राय हुआ बहुत अच्छे सुझाव और बहुत अच्छी चर्चा दो दिन की युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने भागीदारी देकर अच्छे सुझाव दिए बहुत विषयों पर आम सहमति बनी और ये भी तय हुआ कि हर दो महीने में सचिव स्तर की वर्चुअल या फिजिकल मीटिंग होगी ताकि उसकी प्रोग्रेस क्या हुई है और उसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ यानी कि जो निर्णय लिया गए उनको लागू करने में किस तरह की तेजी होगी उसको भी वापस समीक्षा की जाएगी और छः महीने में एक बार सभी राज्यों के खेल मंत्री भी चाहे वर्चुअली या फिजिकली एक बार मिलेंगे ताकि हम जिस दिशा में खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको समय रहते पूरा कर सके कबाइली अमूर के मरकजी वजी अर्जुन मुंडा ने बताया कि आइंदा छब्बीस जून को खूंटी जिला के बिरसा कॉलेज इहाते में अबुआ बगन स्वास्थ्य हमारा बेहतर सेहतली गुफ्तु नवा पहल स्वास्थ्य मेला का इनका किया जा रहा है मेगा हेल्थ कैंप में बीमारियों की जाँच माहिर डॉक्टरों के जरिए मशवरा और दवा मुफ्त दी जाएगी हम खूंटी के आमजनों को उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दें उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उन्हें स्वास्थ्य रखने के लिए पर्याप्त जांच करें और इसी कड़ी में हम 26 जून को यह आयोजित कर रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में आप सभी आकर इस मेगा स्वास्थ्य शिविर में भाग लें मरकजी वजी सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया पुडेचरी और चेन्नई के सहरोजा दौरे पर हैं मरकजी वजी सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह पुडेचरी के आर वो विले के शांति अमृत मंदिर में योग किया इस योग इजलास का इनका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडल रिसर्च पुडेचरी और आर विले के जरिए किया गया था अब मुल्क में गाड़ियों को क्रैश टेस्ट में कारकर्दगी की बुनियाद पर स्टार रेटिंग दी जाएगी मरकजी वजी नितिन गडकरी ने कहा है कि यह दर्जाबंदी नए प्रोग्राम भारत एन के तहत दस्याब होगी क्रैश टेस्ट को एक से पाँच सितारों तक दर्जा दिया जाएगा इस टेस्ट के रहनुमा खतूत ग्लोबल क्रेश टे, टेस्ट के कवायद से मुंसलिक होंगे गडकरी ने हाल ही में कहा था कि हुकूमत का मकसद 2024 तक सड़क हादसा में होने वाली अमवात को पचास फीसद तक कम करना है तकरीबन तमाम कंपनियों की कारों को क्रैश टेस्टिंग एन सी ए पी यानी ग्लोबल न्यू कारसमेंट प्रोग्राम के जरिए की जाती है कारों को मुख्तफ मॉडल्स और वेरियंट्स पर मुख्त की हिफाजती खूसियात मिलते हैं इन फीचर्स में ईयर बैगस ए बी एस और ई ए बी डी कैमरा स्पीड अलर्ट सेफ्टी बेल्ट बैक के सेंसर वगैरह शामिल होते हैं आसाम और मेघालय में आई का सैलाब रिलीफ ऑपरेशन जारी है फ़िज़ाइया ने इक्कीस जून से अब तक इन रियासतों में चौहत्तर परवाजें की और दो सौ तिरपन लोगों को बचाया है फ़िज़ाइया ने इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से मतलब इमदादी कार्रवाईयों के तहत दो सौ टन से ज़्यादा इमदादी अशिया भी गिरा गिराया है और भारतीय फ़ौज एन डी आर एफ एस डी आर एफ और मकामी पुलिस लोगों को सैलाब से बचाने के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही हैं बांग्लादेश की वज़ी अजम शेख हसीना ने पदमा नदी पर बने मुल्क के सबसे लंबे पुल का अफ्ताह किया भारत सरकार ने इस तारीखी मंसूबे को कामयाबी के साथ पूरा होने पर बांग्लादेश को मुबारकबाद दी है वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि पदमा पुल न सिर्फ बांग्लादेश में मकामी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा बल्कि ये भारत और हमारे मुश्तरक जैली इलाके को जोड़ने वाले लॉजिस्टिक और तजारत को भी फ़रग़ देगा यह पुल दो तरफा और जैली इलाके के रबते को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा करेगा यूक्रेन के सदर वलादिमिर जेलेंसकी ने जुमे को एक वीडियो खिताब में कहा है कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में उम्मीदवार की मंजूरी कौम की एक बड़ी फतह है जुमेरात को रुकन ममालिक ने भारी अक्सरीत से यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के हक में वोट दिया रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है रूसी फौज ने यूक्रेन के जोफोर खत्ते के गांव में रॉकेट सिस्टम से हमले किए हैं इन हमलों में किसी की हलाकत की कोई इतला नहीं है पीरू के लीमा सूबे में जुमेरात को कौमी शाहराह पर एक बस के पलट जाने से तीन बच्चों की मौत हो गई है वहीं हादसे में सत्रह अफराध जख्मी हो गए हैं इतला के मुताबिक बस सानहरजा म्यूनसिपलिटी में एक बैरियर से टकरा गई बस के पलटते ही मोटरसाइकिल बस के पिछले हिस्से से टकरा गई वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया बस की रफ्तार बहुत तेज थी वहीं अहलकार हादसे की वजह की जांच कर रहे हैं क्रिकेट शाइन के लिए एक अच्छी खबर है जुलाई 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी सीरीज़ के तमाम मैचों को बरह रास्त नशरियात भारत में डी डी स्पोर्ट्स पर देखे जा सकेंगे डी डी फ्री डिश के अलावा ये मैच तमाम केबल और डी टी एच प्लेटफॉर्म्स पर देखे जा सकेंगे बाईस जुलाई से शुरू होने वाली सीरीज़ में भारतीय टीम पाँच टी ट्वेंटी और तीन वनडे मैच खेलेगी क्रिकेट मैचों के बरह रास्त नशरियात के अलावा डी डी स्पोर्ट्स पर मैच से पहले और मैच के बाद के खसूसी शोज भी दिखाए जाएंगे और नाजिर इसके साथ ही उर्दू खबरनामा अख्तितम को पहुंचता है फिलहाल इजाजत दीजिए आदा मुझे अपना कह